फ्रेंड्स, माय सेल्फ राजेश्वरी निले एंड आई एम फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी. स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टीच यू अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट एंड आवर टॉपिक इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. दिस इज फॉर द 8th क्लास. देर आर टू बुक्स इन दिस ईयर. वन इज अ हनी ड्यू एंड सेकेंड वन इज अ सप्लीमेंट्री बुक. बट टुडे वी स्टार्ट अ हनी ड्यू बुक. ओके, अवर फर्स्ट लेसन इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. Here in this lesson, there are two character in the first topic. There are three topic, मतलब three यहाँ पर part किए गए हैं इस lesson के. First topic जो है या first part जो है उसमें दो character यहाँ पर दिखाई देते हैं. First is a gym maker person and second one is a coney maker person. Okay, तो in this lesson there is a description or significant of the event and date. यहाँ पर डेट और इवेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. देर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम. सबको ये पता है डेट एंड सिग्निफिकेंस. जो पीरियड रहते हैं, डेट्स रहते हैं, उसको हिस्ट्री में ज़्यादा करके बहुत इम्पोर्टेंस होता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन ऑन सच वन सच डेट एंड इवेंट. कौन सी भी स्टोरी है आप जब रीड करते हो तो वहाँ पर डेट इवेंट रहता ही है. अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1940. यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस लेसन में तो यहाँ पर ब्रिटिश और जर्मन के बीच में 1940s में एक वार हुआ था, उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है. और उस समय सोल्जर्स की फीलिंग कैसी होती है ये यहाँ पर डिटेल में दी गई है. कैन यू गेस विच वार इट वॉज. आपको पता है, आप गेस कर सकते हो कि ये कौन सा वार होगा. डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रेफर टू. आपको ये पता है कि कौन से इवेंट्स और डेट यहाँ पर दिए गए हैं नीचे, उससे कौन सी डेट यहाँ पर रेफर की गई होंगी. डेट्स है यहाँ पर 6 दी गई है आपको. फर्स्ट इज़ अ 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961 एंड 12 जुलाई 1969. तो आपको यदि पता होगा तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं पता होगा तो इसका आंसर जो है वो 23 पेज पर आपको दिया गया है. मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर तीन पार्ट किए गए इस लेसन के. तो फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्क्रिप्शन है, तो फर्स्ट पार्ट में राइटर उनका एक्सपीरियंस अपने को बताते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया था तो क्या हुआ, कैसा उनको वो लेटर मिला, वो लेटर किसने किसको लिखा था, ये पूरा डिस्क्रिप्शन फर्स्ट पार्ट में किया गया है. तो सी, I spotted in the junk shop in the Bridport roll top desk. मैं spotted it करना मतलब देखना. मैंने एक junk shop में, अभी junk shop का meaning क्या होता है, तो जहाँ पर second hand जो भी articles है वो मिलते हैं. okay? तो junk shop में गए थे वो Bridport में, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक roll top desk है, मतलब एक ऐसा table है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century. और जो मैन था वहाँ पर, मतलब ओनर था, वो बोल रहा था कि ये जो टेबल है वो अर्ली 19th century का है. एंड ओक, और किससे बनाया गया है, ओक उड से, मतलब एक ओक क्या है, उड का एक टाइप है, प्रकार है, जैसा कि साग है, साल है, नीम है, वैसा ओक. तो ओक ट्री से ये बनाया गया था और अर्ली 19th century का था. आई हैड वॉन्टेड वन. नरेटर कहते हैं कि मुझे एक चाहिए था ऐसा टेबल. बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव. बट वो कैसा था, बहुत ही महंगा था. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. एक वहाँ पर दूसरा था तो वो बहुत ही बैड कंडीशन में था. द रोल टॉप इज अ सेवरल पीसेस. उसका जो ऊपर का पार्ट था उसके बहुत सारे क्या हो गए थे, पीसेस हो गए थे. वन लेग क्लिम्सली मेंडेड. एक लेग क्या हो गया था, पूरा टूटा फूटा था, ज्वाइंट किए गए थे उसको, मेंडेड था. स्क्रोच मार्क ऑल डाउन वन साइड. और एक साइड पर पूरे मार्क्स ही मार्क्स थे, मतलब स्क्रैचेस थे उसके ऊपर. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. लेकिन ऐसी बैड कंडीशन का था इसलिए उसके पैसे कैसे थे, बहुत ही कम थे. आई थॉट आई वुड बी रिस्टोर्ड इट. नरेटर कहते हैं मैंने ऐसा सोचा कि मैं ये टेबल क्या कर लूँ, ले लूँ, परचेज कर लूँ. इट वुड बी रिस्क चैलेंज. ये मेरे लिए क्या था, बोले बहुत ही खतरा काम था, क्योंकि उसको और रिपेयरिंग में क्या लगने वाले थे, पैसे लगने वाले थे. बट उन्होंने ये चैलेंज क्या कर दिया, एक्सेप्ट किया. बट आई हैव इट. लेकिन मैंने वो चैलेंज बोले एक्सेप्ट कर लिया. किसने लिया टेबल, नरेटर ने लिया. फिर बाद में क्या हुआ देखो. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम.
एट द बैक ऑफ द गैरेज। फिर मैंने उसको ओनर को पैसे दिए उसके और वो टेबल में मेरे घर लेके आया, गैरेज के पीछे साइड से वर्क रूम में मैंने उसको रख दिया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। देखो क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर, उसके पहले का ईव, मतलब उसको क्या कहा जाता है, क्रिसमस ईव कहा जाता है। ओके, मतलब 24 को इन्होंने क्या किया, उसका रिपेयरिंग का काम शुरू किया। जो टेबल लाया था उसका रिपेयरिंग का काम 24 को इन्होंने स्टार्ट किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रावर। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल रोल टॉप पर जो भी था वो मैंने बोले रिमूव कर डाला, और रिमूव होने करने के बाद मैंने वो ड्रावर एक एक उसके ड्रावर निकालने का स्टार्ट किया। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट। विनर, व्हाट इज मीन बाय विनर, अ थीन लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड डेकोरेटेड वुड ऑन द फर्नीचर ऑफ चिपवुड। कौन सा भी मटेरियल, मतलब वुड का जो कौन सा भी आर्टिकल बनता है तो उसके ऊपर से कुछ तो भी डेकोरेटिव वुड लगाते हैं, मतलब जैसा वुड लगाते हैं तो प्लास्टिक का रहता है या डेकोरेटिव वुड वो रहता है। तो वो विनर उन्होंने निकाला एवरीवेयर, साइड साइड का पूरा निकाल लिया, और फिर उसके बाद निकालने के बाद उनको पता चला कि ये पूरा क्या हो गया है, टूट गया है। क्यों टूट गया है, लुक लाइक द वाटर डैमेज टू मी, क्योंकि उसमें क्या गया है, पूरा पानी गया है और वो पानी के कारण पूरा डैमेज हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टूल ऑन दिस डेज। यहाँ पर ऐसा लग रहा था ये टेबल को देखकर कि यहाँ पर किसी ने तो भी आग लगाई है टेबल के ऊपर, उसके ऊपर बाद में पानी डाल दिया है, मतलब ऐसी कंडीशन इसकी हो गई थी। द लास्ट ड्रावर वॉज स्टक फास्ट। एक एक ड्रावर निकाल रहे थे लेकिन एक लास्ट वाला जो ड्रावर था वो पूरा फिट हो गया था, वहाँ पर स्टक हो गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने मेरे पूरा ट्राई किया और वो ड्रावर को बाहर निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज द ब्रूटल फोर्स। फिर बाद में मैंने नहीं, फिर भी नहीं निकला। फिर बाद में मेरी पूरी ताकत लगाकर वो ड्रावर को मैंने खींचने का ट्राई किया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने इसी मुट्ठी में उसका हैंडल पकड़ के जोर से उसको बाहर निकाला। एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील द शैलो स्पेस अंडरनीथ। फिर बाद में वो ड्रावर निकालने के बाद जब वो बाहर आया तो वहाँ पर क्या दिखाई दिया इनको, तो एक उसके बीच में कुछ तो भी है, अ सीक्रेट ड्रावर उसके बीच में था, शैलो स्पेस में बहुत सी छोटी जगह थी वहाँ पर, और वहाँ पर एक सीक्रेट ड्रावर उनको दिखाई दिया। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ तो भी था उसमें वो ड्रावर में। आई रीच इन एंड टुक आउट द स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। वहाँ पर इन्होंने हाथ डाल के देखा तो उनको वहाँ पर स्मॉल ब्लैक कलर का टिन बॉक्स दिखाई दिया। व्हाट इज मीन बाय टिन बॉक्स, टिन बॉक्स क्या रहता है, एक ऐसा छोटू सी, मतलब एक टिन की एक पेटी जैसा रहता है, छोटा, ओके, एल्यूमिनियम छोटा बॉक्स, ओके। तो उसको सेलो टेप ने क्या किया था, सेलो टेप से उसको ऊपर से कवरिंग किया गया था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसके ऊपर से लाइन नोट पेपर से कुछ तो भी लिखा गया था टीन बॉक्स के ऊपर से, और उसको और सेलो टेप से रैप किया था। एंड रिटन ऑन इट द इन अ शेकी हैंड राइटिंग, और बहुत ही शेकी हैंड राइटिंग से, शेकी समझता है आप लोगों को, मतलब बहुत ही जल्दबाजी में हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब आती है, उस हैंडराइटिंग में इन्होंने वहाँ पर कुछ तो भी लिखा था। क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1950। ये जिम का आखिरी लेटर होगा। जिम, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जिम नाम का एक कैरेक्टर यहाँ पर दिया है, जिम मैकपर्सन एंड कोनी मैकपर्सन, ओके। तो जिम ब्रिटेन के तरफ से थे, कैप्टन थे, और जर्मन के तरफ से दूसरे कैप्टन थे, उनका नाम है हैंस उल्फ। क्या नाम था उनका, हैंस उल्फ। लेकिन इनका अभी तक जो जर्मन के कैप्टन थे उनका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट पार्ट में आया नहीं है, सेकंड पार्ट में आया है। फर्स्ट पार्ट में ओनली जिम मैकपर्सन एंड कोनी मैकपर्सन, ये हस्बैंड वाइफ इनका आया है डिस्क्रिप्शन, ओके। तो जिम्स का ये लेटर है बोले लास्ट का, और 25 जनवरी को ये रिसीव किया गया 1915 को। और वहाँ पर और भी ऐसा लिखा था, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरा बरीड करने का, दफनाने का टाइम आएगा तो इसको भी क्या करना, उसी समय लेटर को भी दफनाना। आई न्यू एज आई डीड इट दैट
इट वॉज अ रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. ये मुझे पता था, नरेटर कह रहे कि ये मुझे पता था कि ऐसा लेटर किसी का ओपन करना, किसी की पर्सनल बातों को देखना, मैसेजेस देखना, ये गलत है, बराबर है. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. स्क्रपल मीन्स फीलिंग दैट मेक द हेजिटेड टू डू समथिंग रॉन्ग. जो मैं ये कर रहा था ना, मुझे खुद ही मेरे में जो कर रहा था उसकी मुझे शर्म आ रही थी, मैं हेजिटेड हो रहा था, बट फिर भी मैंने मेरी क्यूरियोसिटी के कारण ये किया कि क्या है इस बॉक्स में, अपन खोल के देखेंगे. इट यूजली डज, और मैंने वो किया. इन साइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप. उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था. एनवलप में क्या था? द एड्रेस रीड. फिर पहले एनवलप पर जो एड्रेस था वो रीड किया. क्या लिखा हुआ था उस पर एनवलप पर? मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट. वहाँ पर लिखा था कि उसके मिसेज का एड्रेस था वो. ये पूरा एड्रेस है, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट. डॉरसेट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस एंड इट इज़ इन अ इंग्लैंड. कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में है. आई टुक आउट द लेटर. फिर मैंने लेटर निकाला एंड अनफोल्डेड इट. उसको रीड करने के लिए ओपन किया. इट वॉज रिटन इन अ पेंसिल. अभी तक रीड नहीं किया है, लेकिन बस ऐसा देखा तो दिखाई दिया कि वो पेंसिल से लिखा गया है. डेट एट द टॉप, December 26, 1914. और उसके ऊपर डेट लिखी गई थी कि December 26, 1914. मतलब क्रिसमस होने के बाद ये लेटर लिखा था. 25 दिसंबर के बाद ये लेटर लिखा गया. इतना फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है. क्या दिया गया है इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ. देखो, इन शॉर्ट में ऐसा यहाँ पर दिया गया है कि जो नरेटर थे, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में हुई है, तभी लिखी गई है. और नरेटर अपने को बता रहे हैं इस स्टोरी में से कि मैं एक दिन एक जंक शॉप में गया था, ब्रिडपोर्ट में, एक मार्केट में, मतलब ये प्लेस पर एक मार्केट में वो गए थे. वहाँ पर उन्होंने एक टेबल लिया. वो टेबल बहुत ही बुरी कंडीशन का था. उन्होंने उसको रिपेयर किया क्रिसमस ईव के दिन, मतलब 24 दिसंबर के दिन. फिर वहाँ पर वो जब उसका रिपेयरिंग कर रहे थे, मतलब उसको अच्छे से कर रहे थे, तब उनको एक ड्रावर में से एक कुछ तो भी उनको दिखाई दिया. तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे, पर्सनली किसी का तो कुछ ये नहीं करते हैं, रीड नहीं करते हैं, बट क्यूरियोसिटी रहती है हर एक की. तो उन्होंने वो पूरी ताकत से जो खोला था ड्रावर, उसमें का जो टिन बॉक्स था उसमें का लेटर रीड करने का उन्होंने ट्राई किया. तो फिर उनको पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वहाँ पर पहले एनवलप मिला. एनवलप पर वहाँ पर एड्रेस था. एड्रेस उन्होंने पढ़ा, वो पेंसिल से लेटर लिखा हुआ है, ये उनको समझ में आ गया. और ये लेटर लिखा है 26 दिसंबर 1914 को, ये उनको फर्स्ट पार्ट में समझ में आ गया. आ गया ध्यान में सभी के? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. ये अपना